अभी आईसर के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, लेकिन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू परस्यू अ कोर्स स्पेशली इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप इंडिया का भी फ्यूचर देखो तो हर जगह रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड लॉट ऑफ AI एंड रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, जिसके अंदर चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, चाहे वो आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, सिविल इंडस्ट्री हो या फिर टेक इंडस्ट्री हो, इसके अंदर लगातार चेंजेस देखने को मिल रहा है। आप पिछले 2 साल के अंदर कुछ भी सोचो, 2 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, लेकिन रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं होता। एंड रिसर्च हैव द लॉट ऑफ स्कोप इन द इंडिया स्पेशली। अगर मैं बात करूं 2030 तक बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी आप एक्सेप्टेशन भी नहीं कर सकते। इसके बाद में बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं, भैया आईसर के जैसे की जैसे कोर्स हम कहां से कर सकते हैं, और भी कौन कौन सी फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर 35,000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था और सिलेक्शन रेशियो क्या था, 1800 बच्चे, 1700 बच्चे। अब हजारों बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, स्पेशली वो बच्चे जो कि मेडिकल फील्ड से थे, क्योंकि जो PCM वाले बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, उनके पास इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता है, उनके पास लो टॉप ऑप्शन होते हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर कम होती है, वो किसी भी लल्लू लाल चमन लाल कॉलेज से अपनी BTech कर लेंगे, BCA कर लेंगे, वो कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन यार रिसर्च एक लाइक मतलब थोड़ा सा अंदर से आता है, साइंटिस्ट बनूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, देश बदलूंगा, नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, इनोवेशन करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, हाँ इन्वेस्टमेंट लूंगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वही यार अगर मैं मेडिकल वाले बच्चों की बात करूं, सो अगर वो ऑन एन एवरेज एक अगर प्राइवेट कॉलेज को भी टारगेट करे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, सो इंडिया में आज उसकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है 50 लाख रुपए। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, चाहे वो BDS हो, चाहे वो MBBS हो एंड लॉट ऑफ अदर फील्ड्स हो, देन बच्चों के पास बेस्ट ऑप्शन रहता है ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे IISc बेंगलोर हो गया, आईसर हो गए, नाइसर हो गए, जहाँ पे वो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज करके अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। वेल यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कई सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं एंड फिर भी नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शंस बताता हूँ, आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज में कैसे जा सकते हैं एंड आप इस फील्ड को कैसे परस्यू कर सकते हैं, अपना कैरियर इस फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज में बना सकते हो। वेल इसके अंदर पहला हमारा कोर्स आता है वो है फिजिक्स। ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है। बेसिकली यार आप लोग अगर आईसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अगर रिसर्च बेस्ड कोर्सेज के अंदर जाना है, देन डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए फिजिक्स के अंदर, डीप थ्योरीज के अंदर, स्पेसिफिक साइंस के लॉज के अंदर, एंड आपका मैथमेटिक्स जो है काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इक्वेशंस में आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए एंड आपका काफी ज्यादा डीप स्टडी में इंटरेस्ट होना चाहिए, जहां पे आप बैठ करके पढ़ाई कर सके, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप लगातार अपनी सीट पे बैठ के अगर स्टडी कर रहे हैं स्पेसिफिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, देन आपके लिए रिसर्च बेस्ड हो सकता है। वेल यार फिजिक्स में आप लोग क्या कर सकते हो, वैसे फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट आप कहीं भी रिसर्च अगर करोगे तो फिजिक्स तो डेफिनेटली वहां पे आएगा, चाहे आप आईसर चले जाओ, चाहे IIT चले जाओ, चाहे आप IISc बेंगलोर चले जाओ। वेल यार इसके अंदर आपके लिए जो बेस्ट कोर्सेस आते हैं वो आप कर सकते हो BS MS इन फिजिक्स, लेकिन यार ये स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के अंदर ही है, कुछ ही स्पेशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये पाया जाता है, वरना नॉर्मल कॉलेजों में ये अवेलेबल नहीं है। वेल यार इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन आता है इंटीग्रेटेड कोर्सेस, जहाँ पे आप BSc एंड MSc का इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जैसे ऐसे कोर्सेस करवाते हैं इंटीग्रेटेड फिजिक्स के अंदर, एंड या फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है BTech कर सकते हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन वो मेरे को थोड़ा चमन ला लगता है, इंटीग्रेटेड बेस्ट रहता है क्योंकि वहाँ पे आपको जो है PG की डिग्री भी साथ में मिल जाती है, 5 साल का एक कोर्स होता है एंड आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी एस्पेक्ट्स निकल गया। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मौलिक है, ठीक है, केमिस्ट्री से ही हमारा जीवन चल रहा है। आप अगर अपने चारों ओर देखोगे, आपके चाहे खेत हो, किसान चाहे प्रोडक्ट बना रहे हो, हमारे लाइफ स्टाइल के जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, चाहे हमारा साबुन हो गया, तेल हो गया, कपड़े हो गए, क्रीम हो गई, ये सब के सब इसी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, एंड केमिस्ट्री हैव द लॉट ऑफ स्कोप इन द फ्यूचर। यार इसके लिए भी बहुत सारी ऑप्शन है आप लोगों के पास, इंटीग्रेटेड वाला काफी अच्छा रहता है। आप नॉर्मल BSc भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर मतलब आपको फ्यूचर
फ्यूचर में बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, देन आई सजेस्ट यू कि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज करें या फिर बीटेक करें या फिर आप जो है फर्दर थोड़े टॉप की डिग्रीज में आप कर सकते। इसके बाद में अगर आपको बताऊं तो बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग में है वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में रिसर्च कोर्सेज, यार कंप्यूटर के अंदर भी आप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज कर सकते हो जहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं जिसके अंदर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड या फिर काफी फेमस कोर्स चलता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। वेल, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ज्यादा आईसर भी कठिन नहीं है, उससे ज्यादा है कठिन कंप्यूटर साइंस लेना स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। सो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। मैथमेटिक्स भी आज के टाइम पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसके अंदर भी आप लोग इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स हैव द लो टॉप कॉम्पिटिशन इन द इंडिया, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है लेकिन स्कोप भी बहुत ज्यादा है। हर इंडस्ट्री में मैथमेटिशियन की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस कर लो, फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, कहीं भी कर लो, ये मैथमेटिक्स तो जरूर से आपके सामने आएगा। अब यार बेस्ट ऑप्शंस आते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं भैया, क्योंकि हमारा फिजिक्स बहुत ज्यादा कमजोर रहता है एंड मैथमेटिक्स तो होता ही नहीं है, राइट। सो ये बच्चे क्या कर सकते हैं यार, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो होता है अर्थ साइंस। लोट ऑफ कॉलेजेस स्पेसिफिक डिग्री करवाते हैं अर्थ साइंस के अंदर। हाँ जी भैया, ये मिट्टी है, ये परत है, ये रोटेशन कर रही है, भूकंप आने वाला है, क्या सारा सीन रहने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट में स्टडी करना, इसको बोलते हैं अर्थ साइंस। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आता है एस्ट्रोनॉमी का। लोट ऑफ कॉलेजेस प्रोवाइडिंग दिस डिग्री स्पेसिफिक इन द इंटीग्रेटेड कोर्सेस एस्ट्रोनॉमी। हाँ, आपने देखा होगा आकाश गंगा हो गया, पुच्छल तारा हो गया, लोट ऑफ ब्रह्मांड हो गया हमारा, ठीक है, ग्रह हो गया पृथ्वी, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, हाँ लोट ऑफ ग्रह होते हैं लाइक दैट। ये इंडस्ट्री जो आती है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। हाँ, पंडित जी वाली नहीं होती, वो पंडित जी वाला अलग होता है, ठीक है, वो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, पंडित जी निकालता है ना आपकी कुंडली, वो थोड़ा अलग होता है, एस्ट्रोनॉमी अलग होता है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति करते हैं एंड आपका जो पंडित जी होता है वो आपके ग्रहों की स्थिति करता है। उसके बाद में यार बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम पे जो लगता है हमको वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी को आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, लॉट ऑफ वायरसेस आते हैं आज, ठीक है, एंड हमारे शरीर को बचाना या फिर हमारी लाइफ स्टाइल को मजबूत करना, नए नए प्रोडक्ट बनाना, वैक्सीन बनाना, एंड लॉट ऑफ हैव द स्कोप इन द बायोलॉजी इंडस्ट्री। इसके अंदर इंटीग्रेटेड कोर्सेज की अगर बात की जाए तो बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो गया, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो गया, एंड लॉट ऑफ अदर कोर्सेज भी आप इस फील्ड में कर सकते हो। आखिरकार भैया और भी क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, या फिर हमें कॉलेजों में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या सारा प्रोसेस रहता है, देन यार इसके लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारी रिसर्च बेस्ड टीम आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट अलॉटमेंट कराती है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो बी फार्मेसी में भैया, मेडिकल इंडस्ट्री में हम जाके रिसर्च करेंगे, एंड डी फार्मेसी हो गया, एंड लॉट ऑफ अदर बेस्ट ऑप्शंस, अदर बेस्ट करियर ऑप्शंस जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं एंड आपको पहुंचा दे आपकी एक और नया पार। इसीलिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस, जिसके अंदर जो है आपने माइक्रोबायोलॉजी का नाम सुना होगा, जियोपॉलिटिक्स का नाम सुना होगा, एंड लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस भी होते हैं स्पेसिफिक इन द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड करके फ्यूचर में अपने भविष्य को बहुत ज्यादा स्मूथ बना सकते हो। इनके लिए क्या क्या स्कोप है, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं एंड फ्यूचर में क्या क्या चलेगा, इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड हमारे एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग, एंड हमारा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर डायरेक्टली एडमिशन प्रोग्राम भी रन चलता है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करा सकते हो एंड आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से GFTI गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, जो उसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है जिस भी कोर्सेज के अंदर, हमारी तरफ से पूरा ट्राई किया जाता है कि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए।